क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत? आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है, सत्कार है। आत्मविज्ञान साइंस ऑफ द सोल कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सही दृष्टि, सही सोच, राइट विजन, राइट थिंकिंग के तहत जो आपकी नकारात्मक सोच है उसको हम करेक्शन देके सकारात्मक सोच में बदलते हैं, ताकि कि आप में अच्छे गुण आए, आप अच्छे इंसान बनो, आप सबके साथ अच्छा व्यवहार करो और आपके अंदर पॉजिटिव थिंकिंग आवे। ये सारा कार्य हम अलग अलग एपिसोड्स के माध्यम से करते हैं। आज बहुत सुंदर विषय लेकर के हम आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। आज का हमारा विषय है लघुता एवं प्रभुता। लघु का अर्थ होता है छोटा, प्रभु का अर्थ होता है बड़ा। लघुता मतलब है कि अपने आप को अहंकार रहित जो है छोटा मानना, प्रभुता मतलब अहंकार सहित अपने आप को बड़ा मानना। तो प्रभुता सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है और लघुता जो है हम इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन अहंकार नहीं होता है। लघुता और प्रभु के अंदर जो डिफरेंस है वो अहंकार का है। एक अहंकार रहित है और एक अहंकार सहित है। तो जिसके साथ में अहंकार जुड़ गया वह बुराई हो गई, और जो अहंकार रहित हो गया बिना अहंकार के है वो लघु हो गया, वो लघुता हो गई। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। और अहंकार जो है वो अपने आप में अज्ञान है। अहंकार हमारे चार तरह के जो है वो कषाय होते हैं, क्रोध, अहंकार, माया और लोभ। इनको राग द्वेष कहते हैं और कई लोग इसको एक शब्द बोलते हैं। देखिए, कई बोलने वाले केवल अहंकार बोलते हैं, कई कषाय बोलते हैं और कई राग द्वेष बोलते हैं, कई पुण्य पाप बोलते हैं। तो राग द्वेष क्या हो गया कि ये हमारा माया और लोभ है, ये तो राग है, और क्रोध और अहंकार है ये जो है हमारा द्वेष है। और एक शब्द से अहंकार भी बोला जाता है, बात एक ही है। एक शब्द क्यों बोला जाता है कि ये चंडाल चौकड़ी है, क्रोध, मान, माया, लोभ, चंडाल चौकड़ी है, और इससे जुड़ा हुआ मोह का संसार है। वो तो वट वृक्ष है, वो तो सैकड़ों हजारों तरह की बुराइयां हैं। बुराइयों के पुंज को मोह का परिवार कहते हैं। ये सारी जितनी बुराइयां हैं सब ये वटवृक्ष है, मोह से जुड़ी हुई होती है। तो ये जो हमारा राग द्वेष है ये अज्ञान है, और ये हमारी कॉजल बॉडी है वो राग द्वेष से निर्मित है, जिसको हम लिंग शरीर कहते हैं, जिसको हम सूक्ष्म शरीर कहते हैं और जिसको हम कार्मण शरीर कहते हैं। अलग अलग पर्यायवाची हैं। ये जो है इसका कॉन्स्टिट्यूएंस है वो राग द्वेष है, यानी हम राग द्वेष को अज्ञान कहते हैं। और ये अज्ञान हमारे आत्मा के साथ जुड़ गया, इसीलिए आत्मा जो है बॉन्डेड आत्मा कहलाती है। और ये आत्मा चाहती है कि ये तो मूल रूप से मुक्त है, लेकिन ये अहंकार के आने के कारण, अज्ञान के आने के कारण, राग द्वेष के आने के कारण ये दूषित कहिए या बॉन्डेड हो जाती है, प्रभावित हो जाती है। तो ये अपने आप अपने मूल स्वरूप के अंदर आना चाहती है। तो इसको अज्ञान रूपी जो है अंधकार कहिए या अज्ञान जो है का वेल्डिंग कहिए, इसको तोड़ना आवश्यक हो जाता है। तो देखिए, उसको तोड़ने में दो चीज़ें बड़ी उपयोगी है। लघुता में प्रभु का, लघुता के अंदर प्रभु का निवास है, और प्रभुता से प्रभु दूर। देखिए कि प्रभुता से ईश्वर दूर रहते हैं, और जो लघु रहता है ईश्वर उसके उसके अंदर समाहित होते हैं। कहने का अर्थ क्या होता है, जो अहंकार रहित होकर के प्रभु का भक्त बनता है, प्रभु के प्रति भक्ति करता है, अपने आप को प्रभु को समर्पित कर देता है, अपने आप को प्रभु का आज्ञाकारी बन जाता है और उसके उसके हृदय में प्रभु का निवास हो जाते हैं, तो वह व्यक्ति लघुता वाला हो जाता है। और प्रभुता के पास तो प्रभु आते ही नहीं है, वो तो क्या होता है, वह एक कहना चाहिए कि असुर प्रवृत्ति वाला जो है
अपने आप को प्रभु मान के चलता है। उदाहरण के तौर पर जैसे राजा रावण को लीजिए, बांकासुर को लीजिए, बड़े बड़े जितने भी असुर हैं, असुरों में बहुत ताकत होती है और असुरों ने कठोर तपस्या करके किसी ने ब्रह्मा जी को, किसी ने विष्णु को और किसी ने महेश वरदान प्राप्त किए, बड़े बड़े वरदान प्राप्त। मैं एक उदाहरण देता हूँ कि जो है जो राजा रावण है ये वेदों का बड़ा मर्मज्ञ था, वेद का जानकार था, शिव जी का भक्त था और शिव जी की रोज उपासना करता और शिव जी की भक्ति करके उसने बड़े बड़े जो है इस तरीके से जो है बाण अपने पास रख लिए थे, जैसे ब्रह्मास्त्र है और जो है कोई तरह के अग्निस्त्र, अग्नि अस्त्र है और वायु अस्त्र है और जो है जल अस्त्र है और किसी को बांधने का अस्त्र है, कई तरह की जो ये मायावी शक्तियाँ हैं वो भगवान का स्मरण करके या भगवान की उपासना करके उसने प्राप्त की थी। लेकिन उसको और वो उसमें बड़ी प्रभुता थी, वो कहता था कि तीनों लोग कैसे मेरे से बढ़ के कोई नहीं है और मेरे को जो है कोई मार नहीं सकता, गंधर्व देवता वगैरह कोई नहीं मार सकता है। लेकिन वो उसने एक जो वरदान लेने में कमी रख दी कि नर की बात बोली नहीं है, तो राम के जो भगवान राम थे जो विष्णु का अवतार गिने जाते हैं वो नर के रूप में उन्होंने उसके जो प्राण पंखे रूप उड़ाए। तो भाई और बहनों वो प्रभुता के अंदर अपने आप को हमेशा सोचता रहा कि इस दुनिया में तीनों लोक में मेरे से बढ़ के न तो कोई ताकतवर है, न कोई बड़ा है, न कोई मार सकता है, तो मैं तो पूरी दुनिया का राजा हूँ, इतना अहंकार, मेरी बराबरी कोई नहीं कर सकता। बोलने के अंदर वगैरह, सोचने के अंदर उसके अंदर प्रभुता भरी हुई थी, अहंकार भरा हुआ था। कदम कदम पे अहंकार की वजह से उसने जो सीता का हरण किया, सीता जो है 16 सती में से एक सती है, तो वो हरण करने के कारण कुबुद्धि होगी उसकी और कुबुद्धि के कारण उसने अपने अहंकार का पोषण किया कि मेरे से बड़ा कोई नहीं, मेरे से जीत के इसको कोई नहीं ले जा सकता। और वो उस जो है देवी को, सती को अपनी पत्नी बनाना चाहता था, तो उसने प्रभुता के वशीभूत होकर के, अहंकार के वशीभूत होकर के, और जो है वह उसने रावण ने राम से टक्कर ली और वह मारा गया। तो भाई और बहनों हम क्या कहना चाहते हैं कि प्रभुता से प्रभु दूर होते हैं और लघुता के अंदर प्रभु समाहित होते हैं। लघुता गुरु चरणों में समर्पण को लघुता कहते हैं, गुरु चरणों में समाहित होने को, ईश्वर के अंदर भक्ति करके विलीन होने को लघुता कहा जाता है। तो भाई और बहनों ये लघुता और प्रभुता के हम कुछ अपने, हमारा जो दैनिक जीवन है उस जीवन के कुछ उदाहरण हैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं। तो उन उदाहरणों से देखिए आपको कितनी बड़ा ज्ञान मिलता है। मान लीजिए आप किसी बड़ी सेमिनार के अंदर जो है कर आप विद्वान हो, माने हुए हो, लेकिन आप जो ये उसके अंदर प्रारंभ से ये बात बोलते हो अपनी भाषा से, अपने चिंतन से, अपनी प्रस्तुति से कि परम विनय से मैं महाअज्ञानी हूँ और मैं कुछ नहीं जानता, फिर भी जो कुछ बताने का प्रयास करता हूँ, ये हमारे लघुता के भाव है। इस लघुता के भाव से जो भी श्रोता है प्रभावित होता है कि इतना बड़ा ज्ञानी होते हुए भी जो है वह अपने आप को प्रभु चरणों के अंदर समर्पित मानता है, अपने आप को अज्ञानी मानता है। और वास्तव में कोई भी व्यक्ति अपने आप को विद्यार्थी मानता है, वो अज्ञानी मानता है, तभी वो ज्ञान जो है प्राप्त कर सकता है। क्योंकि विद्यार्थी मतलब ये जो ज्ञान है वो लाइफ लॉन्ग लर्निंग है। एक छोटे बच्चे से जो भी, एक छोटे से प्राणी से भी बहुत बड़ा ज्ञान मिल सकता है, और जहाँ से भी ज्ञान मिले वो लेना चाहिए, क्योंकि हमारी आत्मा में तो अनंत ज्ञान है लेकिन वो पर्दा पड़ा हुआ है, वो अभी से उद्घाटित नहीं हुआ है, इसीलिए हम बाहर से ज्ञान लेते हैं। और ज्ञान कहीं से भी मिले वो हमें लेना चाहिए, और ज्ञान है हमारा प्रभुता से जुड़ा हुआ होता है। और जो व्यक्ति लघुता भाव वाला होता है, यानी ये लघुता के भाव भीतर आते हैं, प्रभुता के भाव भीतर आते हैं, हम जो चिंतन करते हैं, हम जो भाव करते हैं वो हमारी प्रतिष्ठा है, और उस प्रतिष्ठा के अनुसार ही अगले जन्म के अंदर वो प्रतिष्ठा प्रतिष्ठित होकर के हमको फल देती है। जैसे कि हमने इस जन्म के अंदर भाव कर्म किए कि अगले जन्म के अंदर मेरे को मोक्ष के जो है
वो फल मिले। हे मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान, मेरे को जो ऐसा जागृति दो, आशीर्वाद दो, और मुझे जो है ऐसा पुरुषार्थ दो कि है जो ऐसा विश्वास दो कि मैं अगले जन्म के अंदर सिमंदर स्वामी के चरणों के अंदर प्रस्तुत होऊं, वहाँ मेरा जन्म हो, और धीरे धीरे 2, 4, 5 भवों को जो मैंने ज्ञान ले रखा है, तो ये ज्ञान मेरा साथ में जाए और 2, 4, 5 भवों में मैं मुक्ति को प्राप्त करूँ। मैं मुक्ति का परम अभिलाषी हूँ, मुझे शीघ्र मुक्ति में जाना है। इसीलिए हे दादा भगवान, हे पांचाली बोली देवी, हे चंद्रायण अक्ष देव, शासन देवी देवताओं, हे पद्मावती देवी, जो है वो सिमंदर स्वामी के चरणों में जाने में कोई विघ्न आवे वो दूर करो। जब आप ऐसी भावना बाते हो, लघुता की भावना बाते हो, तो वह भाव है वो अगले जन्म में जाकर के द्रव्य बनते हैं, और हमारा ऐसा पुण्योदय होता है कि हमारा धीरे धीरे लघुता के भावों से हम सिमंदर स्वामी के चरणों में भी जाकर के वहाँ जन्म लेकर के 2, 4, 5 भावों में सिद्ध बुद्ध भक्त हो सकते हैं। लघुता का भाव देखिए कि हम कोई भी व्यक्ति हमारे सामने आता है, अगर समझदार व्यक्ति है या संस्था वाला है या समाज के लोग है, हम उनसे व्यवहार लघुता का करें, यानी कहीं पर भी हम अपने आप को बड़ा न माने, अहंकार न करें। मान लीजिए कि आप किसी संस्था के अध्यक्ष हैं और आपको उस संस्था को बहुत बड़ा जो है अवार्ड मिल गया, आपके अच्छे कार्यों की वजह से सबने सराहना की, तो आप तो लघुता के भाव से ये कहते हो कि भाई ये जो कुछ भी कार्य होता है मेरी टीम की वजह से, मेरी जितनी भी कार्यकारिणी के सदस्य है उन लोगों की वजह से हुआ, ये क्रेडिट उनको जाती है, क्योंकि आपके भीतर लघुता के भाव है। लघुता के भाव आप प्रदर्शित कर रहे हो तो टीम के सभी सदस्य, यानी जो आपकी कार्यकारिणी के सभी सदस्यों को यश गया तो वो आपके, तो उनके प्रति आपका बहुत आदर हो जाता है, आपका कोई शत्रु नहीं होता है। लघुता का सबसे बड़ा फायदा ये है कि उसके लोग प्रशंसक होते हैं, कोई शत्रु नहीं होता है, और शत्रु न होने से वह व्यक्ति टेंशन फ्री होकर के और लघु बनने का प्रारंभ करता है। और प्रभुता की बात देखिए कि जो व्यक्ति प्रभुता होता, मतलब ये है कि ये जो हमारे को अवार्ड मिला है उसके अंदर मैंने ऐसा किया, इस समय में जाकर के मैंने ऐसा किया, इतना धन लगाया और मैं इतने इतने मंत्रियों से मिला और सब ये कराया, जब जाकर के मेरे प्रयासों से सफलता मिलती है तो उसके समाज के अन्य लोग एग्जीक्यूटिव के हैं वो सोचता है ये तो अहंकारी व्यक्ति है, ये घमंडी है, और सारा जो श्रेय है अपने ऊपर लेता, तो धीरे धीरे जो है वो लोग उसका वह व्यक्ति उन सभी एग्जीक्यूटिव वालों से और समाज के सामने आँखों से गिर जाता है। यानी प्रभुता वाला व्यक्ति चाहे अपने आप में कितना ही घमंड करे, अपनी अच्छाइयों को प्रदर्शित करे, लेकिन दुनिया सब जानती है, क्योंकि प्रजा है, वो प्रजा सब जानती है, तो वह जो है वो लघुता, वो प्रभुता की वजह से जो है लोगों के लिए वो जो है लोगों के लिए एक घृणा का कारण बन जाता है। तो इसीलिए हम बताना चाहते हैं कि हमें हमेशा लघुता के साथ रहना चाहिए। जो व्यक्ति जितना लघु बन के रहेगा, और लघुता में तो यहाँ तक समझो कि जो 7.8 अरब की जनसंख्या पूरे विश्व में, उस जनसंख्या का सबसे छोटा व्यक्ति मैं हूँ, मैं तो अज्ञानी हूँ, और अज्ञानी होने के कारण मैं वो ज्ञान को लेना चाहता हूँ। और वो देखिए कि जब किसी महापुरुष की संगत में जाते हैं, किसी सत्संग को सुनते हैं, तो हम खाली घड़ा होके जाते हैं, यानी खाली होके जाते हैं तो उस घड़े के अंदर जगह होती है और हमें उपदेश मिलता है और वो हमारा घड़ा भरता जाता है अच्छाइयों से, उपदेशों से। और हम अगर भरा हुआ घड़ा लेके जाते हैं, क्या कि मैं तो सब जानता हूँ, वो मुझे क्या बताएंगे, मैं तो इनसे अच्छा जानता हूँ, तो भरा हुआ घड़े के अंदर और पानी नहीं डाल सकता। तो भरा हुआ घड़ा यानी व्यक्ति को जो अहंकारी है, जो प्रभुता वाला है, उसको और हम बदल नहीं सकते और कोई ज्ञान नहीं ले सकते, क्योंकि वो तो अपने आप में अहंकार करता है, अपने आप को बड़ा समझता है। तो भाई और बहनों, अगर जीवन में तरक्की लाना चाहते हो तो मैं आपको सूत्र बताता हूँ कि लघुता के अंदर प्रभु समाहित है और प्रभुता से प्रभु दूर। कभी भी अहंकार मत कीजिए, अहंकार अज्ञान है, ये दुख का कारण है, और इस अज्ञान के कारण अगर हम अज्ञान को पोषण देते हैं तो हमारा अज्ञान है, राग द्वेष है, और बढ़ता है, और इसका घनत्व अगर बढ़ता जाएगा तो हमारा जो है कल्याण कहना चाहिए बहुत दूर है, और हम जो कई जन्मों तक जो है इस भवांतर के अंदर घूमते रहेंगे। तो हमें जो है
प्रभुता से दूर रहना है और लघुता के अंदर जाना है। लघुता में जाने के लिए, अब आप कहेंगे लघुता में कैसे जाएं, तो मैं आपको कुछ प्रयोग देना चाहता हूं। उस प्रयोग के माध्यम से हम प्रभुता से हट करके लघुता में आ सकते हैं। तो देखिए कि हमारा जो ये श्वास है, ये श्वास क्या आता जाता है, जब तक सांसा तब तक आशा। इंसान का सबसे बड़ा जो मित्र है उसका श्वास है, और एक श्वास कब होता है, जब वो भीतर गया और बाहर आया, उसको मिला करके एक श्वास कहते हैं। नॉर्मल व्यक्ति जो कि जो है बराबर जो है वो टेंशन फ्री है और अपने मौज मस्ती की अवस्था में है, तो वो एक मिनट में घड़ी लेकर के आप बैठ जाइए, 16 सांस लेता है। तो अब हमें क्या करना है, अभ्यास करना है कि हमारे श्वास को जो है थोड़ा और लंबा करना है। तो जब हम सांस लें तो हमारा पेट फूलना चाहिए, और सांस निकालें जब पेट सिकुड़ना चाहिए। तो फूलने और सिकुड़ के साथ में हमने सांस लिया और सांस को छोड़ा, तो ये जो है लंबा किया, लंबा सांस करने से वह 16 की संख्या घट करके 14, 12, 10 तक आ जाती है, 8 तक आ जाती है। जब ये संख्या 12 आ जाती है तो निश्चित तौर से हम कभी भी प्रभुता की ओर नहीं जा सकते। कभी हमारे क्रोध अहंकार माया लोभ नहीं हो सकता, घमंड नहीं आ सकता है। तो ये एक सटीक उपाय है, हमारे सांस को लंबा करना है, गहरा करना है, समतल करना है। तो ये लंबा गहरा और समतल होते ही जो है वो हमारे श्वासों की संख्या घट जाएगी, और घट करके हमें शांति देगी, सुकून देगी और लघुता वाला बनाएगा। लघुता वाला व्यक्ति होता है वो भक्ति मार्गी होता है। तो वो क्या करता है कि जैसे कृष्ण भगवान कहते हैं कि हे मेरे भक्त, जो तो चाहे पापी है, चाहे जो पुण्यार्थी है, चाहे कितने कुकर्म किए हैं, वो तुम तो मेरे चरणों के अंदर आ जा, तुम मेरे को समर्पित हो जा, तू तो सारी जो आपकी जो जो आपके जो व्यथाएं हैं वो मेरे चरणों में डाल दे। तू पापी है तो भी मैं तेरा उद्धार करूँगा, क्योंकि मैंने जिम्मेवारी ले ली है, और शरणागत का जो है वो सहायता करना क्षत्रिय का जो है फर्ज होता है। तो भगवान होते हैं प्राय प्राय क्षत्रिय होते हैं, तो वो जो है वो क्योंकि वो बलिष्ठ होते हैं, तो से जे कम्मे सूरा से धम्मे सूरा, जो कर्मवीर होते हैं वही जो है शूरवीर होते हैं। वो चाहे आप धर्म की प्रवृत्ति करो, चाहे संसार की प्रवृत्ति करो, हर प्रवृत्ति के अंदर वो कर्मवीर जो होता है वही तरक्की करता है। तो हमारे हम जो है जो लघुता के भाव रखते हैं, तो लघुता के भाव से जो है हमारी तरक्की होती रहती है। और लघुता के भाव के अंदर जब हम भक्ति मार्ग की बात कर रहे थे, भक्ति मार्ग में जब समर्पित हो जाते हैं तो सारा कार्य ईश्वर को समर्पित करते हैं, अच्छा या बुरा का, तो वो अपने आप जो है हमारे भीतर शुद्धिकरण करता है, सब्लिमेशन करता है, ट्रांसफॉर्मेशन करता है, और ट्रांसफॉर्मेशन करके हमारे अज्ञान को हटाता है और अज्ञान की जगह ज्ञान डालता है, और वो ज्ञान डाल करके हमारे को जो है वह एक ज्ञानी पुरुष के रूप में, एक जो बेस्ट पर्सनैलिटी के रूप में हमको बताता है, और हम लोगों के संपर्क में आते हैं तो बिना कुछ कहे ही लोग हमें वंदनीय, स्तुति, अनुकरणीय और संग्रहणीय बताते हैं। तो भाई और बहनों, हम ये कहना चाहते हैं, अब मैं इस एपिसोड को ओपन टू दी ऑडियंस करूं, यानी आप लोगों के सामने रखूं, आपके जिज्ञासा, आपका समाधान, आपके प्रश्न, आपका सुझाव। तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि ये जो विषय जो है बहुत ही सुंदर विषय है, और इस विषय के तहत जो है हमें प्रभु भक्ति करना चाहिए, हमें ईश्वर प्राणी ध्यान करना चाहिए, और लघुता के भाव आने चाहिए। लघुता के भाव जो है वह ईश्वर चरणों में जाने पर बहुत जल्दी आते हैं। यह हमारे श्वास की संख्या 16 से घटा के 12 करने में, 10 करने में, 8 करने में बहुत आता है। और दूसरा होता है कि हमको जो है हमको कुछ क्रियाएं और भी करना चाहिए, प्राणायाम का है, जैसे भस्त्री का है, अनुलोम विलोम है, और श्वास को लेना है और छोड़ना है, कपालभाती है, उससे हमारा ये श्वास नियंत्रण होता है। और जब श्वास जो है लंबा चलेगा तो व्यक्ति कभी भी प्रभुता में नहीं जा सकता, वो चाहकर भी अहंकार नहीं करेगा। और अहंकार भी दो तरह के होते हैं, एक तो होता है अहंकार जो कि हमें जोश दिलाता है कि मेरा भाई इतना आगे बढ़ गया, मेरे भाई ने अचीवमेंट किया है, तो मैं भी कुछ ऐसी अचीवमेंट करूं, तो वह अपने कार्य को तेज गति से करने लग जाता है, तो ऐसा भी जो है वो संभव होता है। तो भाई और बहनों,
जो हम हमेशा लघुता को स्वीकार करें, प्रभुता से प्रभु दूर होते हैं तो हम भी जो है प्रभुता से दूर रहे, यानी अहंकार शून्य होकर के रहे। और जब अहंकार हमारे के अंदर हमारे भीतर जो छलांगे नहीं लगाएगा तो हमारा बुरा व्यवहार कभी नहीं होगा। तो बुरा व्यवहार वह अहंकार की प्रेजेंस से होता है, अहंकार के सपोर्ट से होता है। तो भाई और बहनों, हम अहंकार को जो है अपना ठंडा करेंगे तो बहुत कुछ आगे बढ़ करके हम तरक्की कर सकते हैं। और धीरे धीरे इस अहंकार को जब हम शून्य करने लग जाएंगे, हमारा जो कॉजल बॉडी है, लिंग शरीर है, ये सूक्ष्म शरीर है, तो वो धीरे धीरे जो है शिथिल होता जाएगा, घटता जाएगा, और घट करके कुछ ही जन्मों के अंदर ऐसी स्थिति आ जाएगी कि हम जो है सिमंदर स्वामी के चरणों में प्रस्तुत होकर के और हम जो है वो सिद्ध बुद्ध और मुक्त बन सकते हैं, अपने मूल स्वरूप की जो आत्मा है उसको आज़ाद करा सकते हैं। तो भाई और बहनों, आज ये बहुत सुंदर विषय है, इस विषय के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं कि आजकल जो दुनिया में जितनी भी बड़ी बातें बन रही है, जो किटपिट चल रहा है, जो लड़ाई झगड़े चल रहे हैं और हमारे जो है पारिवारिक हिंसा हो रही है, उन सब के अंदर ये जो कार्यक्रम लघुता वाला कार्यक्रम है बहुत ही सुंदर अप्लाई होता है। चाहे घर में बड़ा से बड़ा झगड़ा हो और घर का मुखिया अगर लघुता के अंदर विश्वास करता है तो वह तू लघु रूप के अंदर वो सबको रास्ता सुझाएगा, सबको एक नया दर्शन देगा और नया दर्शन दे करके घर के अंदर वो उसको स्वर्ग बना देगा। क्योंकि ये प्रभुता की ताकत है, लघुता से जो है ये लघुता की ताकत है। लघुता के साथ में प्रभु हमेशा साथ रहते हैं और प्रभुता से प्रभु दूर होते हैं, क्योंकि जो प्रभुता है वो विनाश कराने वाली होती है। और अहंकार करने से आप सोचते हैं कि हमारा काम सुधरेगा, उससे हमारा काम बिगड़ने की ऐसी अभी संभावना होती है। इसलिए हमें अपने जो है वो लघुता और प्रभुता में से लघुता को पुष्ट करना है, लघुता को आगे बढ़ाना है। कुछ मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ कि लघुता प्रभुता किस तरीके से होती है। देखिए कि हमारे गांव के अंदर, शहर के अंदर किसी साधु संतों का, जो सन्यासियों का चातुर्मास है और हम रोज़ जाते हैं उनके प्रवचन सुनने को, तो प्रवचन सुनने को जाने के बाद के अंदर जो है हम ये जानते हैं, हम आत्मा की बात है, कर्मों की बात है, सब कुछ है, लेकिन जो है हमने उस माहौल के अंदर एक माहौल जो है बना के रखा कि भाई हमें तो आत्मचिंतन करना चाहिए, आत्मनिरीक्षण करना चाहिए, आत्मपरीक्षण करना चाहिए, और जो 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 बातें जो है हमने बताई उसका हम पालन करते रहेंगे तो हमारे इस जो है मनोभावों के अंदर कभी भी प्रभुता नहीं आएगी। और जहाँ पर प्रभुता नहीं है वहाँ प्रभु ऑटोमेटिकली जो है प्रभुता में प्रभु दूर हो जाते हैं। तो जब दूर होते हैं तो वो लघुता में हमारे साथ आ जाते हैं। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा जो आत्मविज्ञान कार्यक्रम बड़े चाव से देख रहे हो, इसका हमें फीडबैक मिल रहा है। आप जो हमारा आत्मविज्ञान कार्यक्रम की आत्मा हो और आपको जब दिलचस्पी आती है तो हम जैसे वक्ता को भी बहुत आनंद आता है प्रस्तुति के अंदर। तो आपका और हमारा तारतम्य तादाद में हमारा जो है वो बना रहे और आप ज़्यादा से ज़्यादा आत्मविज्ञान को देख करके अपने जीवन का कल्याण करें, इसके लिए आपके प्रति मंगल भावना। शुभ। क्या है अध्यात्म, दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत? अध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य, मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच।